वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों बात कर रही हूँ मैं सीरियल कुंडली भाग्य के बारे में। कुंडली भाग्य में मजेदार दिखाते हैं कि जहाँ एक तब इधर ये गुंडे आ जाते हैं अंशुमन के और सारा तबाह कर देते हैं, वही राजवीर को लग जाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वही इधर शनाया बताती है कि जिस गुंडों ने हमला किया था पल्की पे और राजवीर दोनों पे, वही ये गुंडे हॉस्पिटल में भी घुसा है। वही इधर सब डर जाते हैं, करीना बुआ को बताती है ये सारा सच, लेकिन इस बात से निधि बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको ऐसा लगता है कि ये गुंडे उसी के हैं, लेकिन इधर राजवीर के ऊपर क्यों हमला किए। वह इधर देखने में मजेदार रहता है कि करण प्रीता के सामने बोलता है और सभी घर वालों के सामने भी ये बोलता है कि राजवीर की जिम्मेदारी आज से मेरी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पूरे बाप का फर्ज निभाऊंगा और उसको मरते दम तक कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये बात से प्रीता बहुत भावुक हो जाती है, यानी कि इमोशनल हो जाती है, लेकिन इधर शौर्य को होने लग जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि उसको राजवीर से है प्रॉब्लम और उसको ऐसा लगता है कि मेरे डैड क्यों राजवीर के प्रति इतने भावुक है, यानी कि इमोशनल सपोर्ट क्यों देते हैं। वो इधर दोस्तों देखने में मजेदार होने वाला है कि जहां एकता विदा करण ये फैसला सुना देता है तो प्रीता तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इधर निधि करने जा रही है कुछ नया चाल, यानी कि चाल चलेगी और राजवीर को खत्म करने के लिए प्लान बनाएगी। सो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। सो गाइस आप लोग बताइएगा कि इस शो में आगे क्या न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकता है। जब तक कि थैंक यू।